नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी बरसात का टाइम आता है बाढ़ चर्चा में आ जाती है। थोड़ी ही वर्षा होती है और बाढ़ हर जगह देखने को मिलती है। यही तो आपकी प्रकृति का जो हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी का खामियाजा ना भुगतना पड़ रहा है कि थोड़ी सी बरसात हुई ना और बाढ़ आपको देखने को मिल जाती है। तो देखेंगे ये बाढ़ किस संदर्भ में भी अभी चर्चा में आया हुआ है और बाढ़ से आखिर तात्पर्य क्या है, आपका होती क्या है बाढ़, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। भारत में जो बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उस पर भी देखेंगे कारण। बाढ़ जो बाढ़ है ये आपकी राज्य सूची का विषय है, यहाँ बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है, उन्हें भी देखेंगे। बाढ़ के कारण क्या है और विनाशक परिणाम क्या है इसके, और इसके संभावित लाभ क्या हो सकते हैं। बाढ़ प्रबंधन के प्रयास और बाढ़ प्रबंधन हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं, इसमें आपके सुझाव अगर हैं तो आप भी दे सकते हैं। आप नीचे तो आप भी दीजिए, देने की कोशिश भी किया करिएगा। वर्तमान में असम के ये पूर्वोत्तर राज्य हमारा, असम के 33 जिलों में से 18 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कितने? 33 में से 18। अभी आप जान रहे हैं कि वर्षा अभी अच्छे से हुई भी नहीं है। असम की बाढ़ से लगभग 37 लोगों की मृत्यु हो गई है, 10 लाख से अधिक लोग तथा पशुधन प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य व मानस राष्ट्रीय उद्यान के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है, यानी कि इसे डुबा दिया है। इसमें राज्य में बाढ़ एक वार्षिक विशेषता है, यानी कि प्रतिवर्ष आगमन होता है इसका। मानसून के दौरान लगातार भारी वर्षा के अतिरिक्त प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक भी शामिल हैं जो इसके लिए योगदान करते हैं। चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान में फैले एक बड़े बेसिन क्षेत्र के साथ ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ भारी मात्रा में जल और गाद का मिश्रण लेकर आती है, जिससे असम में कटाव की घटनाओं में वृद्धि होती है जो बाढ़ का कारण बनती है। भारत में घटित होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएं बाढ़ की हैं। यद्यपि इसका कारण मुख्य कारण भारतीय मानसून की अनिश्चितता और वर्षा ऋतु के 4 महीनों में भारी जल प्रवाह, परंतु भारत की असममित भू आर्कटिक विशेषताएं विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की प्रकृति और तीव्रता के निर्धारण में अहम भूमिका निभाती है। बाढ़ के कारण समाज का सबसे गरीब तबका प्रभावित होता है। मान जान बाढ़ से जान माल की क्षति के साथ साथ प्रकृति को भी हानि पहुंचती है, अतः सतत विकास के नजरिए से बाढ़ के आकलन की जरूरत है। वैसे आप लोग एक बात तो हमेशा याद रखिए कि मानव निर्मित हो आपदा, फिर चाहे प्राकृतिक आपदा हो, प्रभावित गरीबी होता है। हमेशा याद रखिए, कोई भी आपदा आए प्रभावित कौन होता है? गरीबी। ठीक है, तो बाढ़ से तात्पर्य क्या है आपका? नदी जल का उफान के समय जल वाहिकाओं को तोड़ता हुआ मानव बस्तियों और आसपास की जमीन पर पहुंच जाना, यानी कि जो आपकी नदी आ रही है, अब सोचिए आपकी वो नदी का जल इतना ऊपर आ जाए कि गांव आसपास जो गांव बसे हुए हैं उन्हें डुबा दे, आसपास की जो जमीन है वहां तक पहुंच जाए और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती, या कुछ विशेष क्षेत्रों और वर्षा ऋतु में ही आती है। बाढ़ तब आती है जब नदी जलवाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहा होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है। कई बार झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे तटीय क्षेत्रों में आने वाला तूफान, लंबे समय तक होने वाली तेज बारिश, हिम का पिघलना, जमीन की जल अवशोषण क्षमता में कमी आना और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना। आपने देखा होगा कुछ सालों पहले कि बरसात होती थी 5-10 मिनट में पूरा पानी साफ हो जाता था। अब आप शहरों में देख रहे हैं कि नालियां बन चुकी हैं, रोड बन चुके हैं, तो नीचे पानी जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ रहेगा वो, भरा रहेगा पानी। थोड़ी टाइम में बाढ़ आ जाए, बाढ़ टाइप की शहरों में भी देखते हैं आप लोग, बाढ़ जैसा माहौल बन जाता है। तो यही कारण है कि अवशोषण क्षमता उसकी घट चुकी है, जमीन है जो, और नहीं पहुंच पा रहा है नीचे पानी, इसलिए आपने देखा है पानी की कमी देखी जाती है। हम हजार हजार फुट तक बोरिंग करवा लेते हैं फिर भी पानी की सुविधा नहीं रहती है, तो यही कारण है।
भारत में बाढ़ की स्थिति की अगर बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण जान माल का भारी नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में करीब 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्य सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त तो उत्तर भारत की अधिकतर नदियां, विशेषकर उत्तर प्रदेश और पंजाब में बाढ़ लाती हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब आकस्मिक बाढ़ के कारण पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं। इसका कारण मानसूनी वर्षा की तीव्रता तथा मानव कार्यकलापों द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध होना। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच लौटते मानसून से होने वाली तीव्र वर्षा द्वारा आता है। एक बात पर आप लोगों ने नोटिस की होगी कि हर जगह देखते हैं आप लोग मानव जनित शब्द आता है। आपने कभी सुना है ये जानवर या शेर जनित या फिर कोई सांप जनित या फिर कोई गाय जनित? याद रखिए, प्रकृति है, इस पर सबका बराबर हक है, लेकिन हम क्या इंसान है जो मानव है, ये बड़ा लालची होता है और इसे आप वो अपना समझ बैठा है। गांधी जी का एक वक्तव्य आपने आप सबको याद होना भी चाहिए, और कभी अगर आंसर राइटिंग इस तरह आती है तो उसे डालने की कोशिश करिए, कि उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमारे जरूरतों को पूरा कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं, सभी की जरूरतों को, लेकिन किसी एक लालची व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति कम पड़ जाएगी। समझ रहे हैं? अब गाय को आप देखिए, उसकी कोई जरूरत लालच नहीं है उसके अंदर, वो बड़ा अच्छे से वो धर्म भी निभाती है अपना, खा रही है तो दूध दे रही है बाकायदा अच्छे से। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि एक मकान बना लिया फिर भी हमारी लालच नहीं हुई, दो मकान बना लिए, और जिंदगी भर बनाते बनाते सब कुछ कब मौत की मुहिम में चले गए, तब तक हमारी जो भी अंदर की लालच होती है खत्म नहीं होती है। समझ में आया? इसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, फिर चाहे आपका कोई वायरस आ रहा हो, फिर चाहे कोई आपकी बीमारी फैल रही हो। बाढ़ है आपका राज्य सूची का विषय है। यहाँ आपको बता दें कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनमें से जो केंद्र सरकार है केंद्र संघ सूची पर के विषय पर कानून बनाएगी, और राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगी, और जो संवर्ती सूची होती है इस पर दोनों राज्य और केंद्र दोनों बना सकती हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच गतिरोध पैदा होता है तो इसमें आपकी केंद्र सरकार की जो भी कानून होगा उसे महत्व दिया जाएगा। कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन का विषय राज्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव रोधी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के अनुसार अपने संसाधनों द्वारा नियोजित, अन्वेषित एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बाढ़ के कारण सामान्यतः भारी वर्षा के बाद जब प्राकृतिक जल संग्रहण स्रोतों मार्गों की जल साधारण करने की क्षमता का संपूर्ण दोहन हो जाता है तो पानी उन स्रोतों से लेकर आसपास की सूखी भूमि को डुबा देता है। लेकिन बाढ़ हमेशा भारी बारिश के कारण नहीं आती, बल्कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों ही कारणों का परिणाम है, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। मौसम संबंधी तत्व, दरअसल 3 से 4 महीने की अवधि में ही देश में भारी बारिश के कारण नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है तो नदियों का जल स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। बादल फटना, भारी वर्षा और पहाड़ियां या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां जल से भर जाती हैं। गाद का संचय, हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाती हैं। वर्षों से इनकी सफाई ना होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जैसे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। मानव निर्मित अवरोध, तटबंधों, नहरों और रेलवे से संबंधित निर्माण के कारण नदियों के जल प्रवाह क्षमता में कमी आती है, फलस्वरूप बाढ़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ को मानव निर्मित कारकों का परिणाम माना है जाता है। वनों की कटाई, पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को रोकने और बारिश के साथ के पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विनाशक परिणाम अगर हम लोग देखें तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियां जैसे हजरा, आंतशोथ, हेपेटाइटिस एवं अन्य दूषित जल जनित बीमारियां फैल जाती हैं। वर्तमान में पूरे देश में COVID-19 महामारी का प्रसार है और बाढ़ की स्थिति इसे और अधिक हानिकारक बना सकती है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात के तटीय क्षेत्र
तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात, हरियाणा में बार बार बाढ़ आने और कृषि भूमि और मानव बस्तियों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके देखते हैं संभावित लाभ क्या है। दरअसल बाढ़ का पानी अपने साथ पहाड़ों से उपजाऊ गाद यानी कि मिट्टी मैदानों की तरफ लाता है। यह गाद काफी उपजाऊ होती है। बाढ़ के पानी के साथ बहकर आने से मैदानी इलाकों में इस उपजाऊ मिट्टी की एक परत बन जाती है, जिससे खेतों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और फसल काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ ही रेत, पत्थर, अवसाद आदि जमा होने से सक्रिय हो चुकी नदी के चैनलों को बाढ़ साफ कर देती है, जिससे नदी का फैलाव होने से नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में आ जाती है। बाढ़ से आपका भू जो संभरण है ये भी बढ़ता है। अब आपके यहाँ बाढ़ प्रबंधन हेतु प्रयास क्या क्या किए गए जा चुके हैं अभी तक? तो सबसे पहले आपकी राष्ट्रीय जल नीति 2012, जो राष्ट्रीय जल नीति 2012 में आई थी, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? जहाँ संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वहीं बाढ़ सूखे से निपटने के लिए तंत्र सहित पूर्व तैयारी जैसे विकल्पों पर जोर देना चाहिए। साथ ही प्राकृतिक जल निकास प्रणाली के पुनर्स्थापन पर भी अत्यधिक जोर देने दिए जाने की आवश्यकता है। नदी द्वारा किए गए भूमि कटाव जैसे स्थायी नुकसान को रोकने के लिए तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजना, निष्पादन, निगरानी, भू आकृति वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिए। चूंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव की संभावना बढ़ने से यह और भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बाढ़ का सामना करने के लिए तैयार रहने हेतु बाढ़ पूर्वानुमान अति महत्वपूर्ण है, यानी कि बाढ़ के आने से पहले जानकारी मिल जानी चाहिए तथा इसका देश भर में सघन विस्तार किया जाना चाहिए। वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। जलाशयों के संचालन की प्रक्रिया को विकसित करने तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि बारिश के मौसम के दौरान बाढ़ को सहन करने संबंधी क्षमता प्राप्त हो सके और अवसादन के असर को कम किया जा सके। ये प्रक्रियाएं ठोस निर्णय सहयोग प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। फिर आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसमें क्या क्या बताया गया? बाढ़ प्रतिक्रिया संबंधित योजनाएं, परिचय, आपातकालीन खोज एवं बचाव, घटना कमांड प्रणाली, समन्वय, आपातकालीन रसद, आपातकालीन चिकित्सा, क्योंकि आप देखते हैं कि ये आपकी संबंधित योजनाएं कि बाढ़ के बाद आपने देखा होगा कि कई बीमारियां भी वहां आ जाती हैं, रोग भी होने लगते हैं। दिसंबर 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन भी किया गया था। इसके तहत बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम प्रभावी बाढ़ प्रबंधन, भूक्षरण पर नियंत्रण के साथ साथ समुद्री तटीय क्षेत्रों के क्षरण की रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह प्रस्ताव देश में बाढ़ और भूक्षरण से शहरों, गांवों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संचार नेटवर्क, कृषि क्षेत्र, बुनियादी ढांचों आदि को बचाने में मदद करेगा। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित कार्य नामक दो स्कीमों के तहत घटकों को आपस में तैयार करके FMBAP फ्लोर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट, दूसरा है आपका RMBA रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड वर्क रिलेटेड टू बॉर्डर एरिया योजना तैयार की गई। जल ग्रहण उपचार कार्यों से नदियों में गाद कम करने में सहायता मिलेगी। आप बाढ़ प्रबंधन हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं उन्हें भी देख लीजिए। राज्य सरकार पर बाढ़ नियंत्रण एवं समन के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना तथा स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के समय किए जाने वाले उपायों के बारे में प्रशिक्षित करना, संरचनात्मक उपाय जैसे तटबंध कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का सुदृढ़ीकरण, तटीय सुरक्षा के लिए दीवार जैसे उपाय को उस खास भू आकृति क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ हो, गैर संरचनात्मक उपाय जैसे कि आश्रय गृहों का निर्माण, सार्वजनिक उपयोग की जगहों को बाढ़ सुरक्षित योजना बनाना, अंतरराष्ट्रीय नदी बेसिन का प्रबंधन, बाढ़ के मैदान का क्षेत्रीकरण इत्यादि, बाढ़ की प्रकृति के अनुसार आपदा मोचन बल को प्रशिक्षित करना,
तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनात करना, विनिर्माण में संरचना की प्रारूप, स्थान, सामग्री और अनुमेय क्षति के प्रकार एवं आकार के विषय में उचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है ताकि प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचे। बाढ़ प्रबंधन और समय पर लोगों को सचेत किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती होनी चाहिए। पुनर्नवीनीकरण, जल निकास तंत्र में सुधार, वाटरशेड प्रबंधन, मृदा संरक्षण जैसे उपाय करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है कि देश के कुछ हिस्से बाढ़ से घिरे हुए हैं तो कुछ अन्य से जल की अत्यंत कमी का सामना कर रहे। ऐसे में आपकी नदी जोड़ो परियोजना एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस नदी में ज्यादा पानी है, जिसमें कम है उससे जोड़ देना उसका दोनों को, ठीक है। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है आपकी? अवसंरचनात्मक तैयारी, नियोजित विकास, शहरी क्षेत्र में हरित कवर व हरित पट्टी को बढ़ाना, भारी वर्षा के जल की निकासी व्यवस्था में सुधार करना आदि कुछ निवारक उपाय जिन्हें अपनाना चाहिए। संस्थागत सतर्कता, इस संबंध में कुछ संस्थागत तैयारी इस प्रकार है। जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, वैक्सीन व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बचाव के लिए मानसून पूर्व तैयारी करना, नागरिकों को बचाव का प्रशिक्षण देना आदि शामिल। ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन, अतीत की घटनाओं से सीखना, उसके आधार पर सुरक्षा के समुचित कदम उठाना, निजी क्षेत्र को इससे संबंध करना, लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना, सही लोगों के रहन सहन की आदतें, उनकी जीवन शैली में सुधार संबंधी मानकों को अपनाना। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो हम लोगों ने पहले गलतियां की या पहले समस्याएं आई उनसे हम लोग सीखते कभी नहीं है। अगर सीख गए होते शायद अभी कोरोना महामारी से बच गए होते, क्योंकि जब दुनिया में फैल रहा था उस समय हम लोग सो रहे थे, हमारी सरकार। अगर उस समय उपाय कर लिए होते तो शायद आज ये दिन देखने की जरूरत ना पड़ती और समझिए आपकी इतनी खस्ता हालत हमारी अर्थव्यवस्था की ना होती। तो चलिए, जो भी है अपना ख्याल रखिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो जब तक चलता है, और वैसे भी आप जान चुके हैं कि इससे हमारी बड़ा लंबी लड़ाई चलने वाली है, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।